रेंट आएगा शायद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हैप्पी दिवाली गाइस, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अभी सामान लेने। और अच्छा गाइस, कल जाना था मैंने सामान लेने, कल धनतेरस थी पर मेरी तबीयत ख़राब थी, कल मुझे फीवर था इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो मैं अभी जा रही हूँ, बस जल्दी से सामान लेकर आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। अब डेकोरेशन वगैरह सबके घर में होगी है गाइस, हमारे घर में नहीं हुई है अभी तक। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिशियन भैया को भी बुलाया है, तो मैं जल्दी से लाइटिंग वाइटिंग का सामान ले आती हूँ, डेकोरेशन का सामान ले आती हूँ। तो वो कील वील हमारे यहाँ पर अभी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने नया शिफ्ट किया, आपको पता ही है। तो फिर इसमें अभी कील वगैरह नहीं लगाई है, तो वो भैया आके कील वगैरह भी लगा देंगे और बाहर लाइटिंग का भी वो कर देंगे सेटिंग। तो फिर जल्दी से मैं सामान ले आती हूँ, नहीं तो भैया आ जाएंगे। तो चलो गाइस, चलते हैं जल्दी से सामान ले आते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम सामान लाए हैं दिवाली का। सो चलो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये है लाइट गोल्डन कलर का, ये देखो गाइस, ये है 35 लाइट्स है क्योंकि हमने सारे। और अब मैं दिखाने वाली हूँ सामान। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? हैप्पी दिवाली। ये क्या है? शुभ लाभ। तो गाइस, आज आपको दिखा रही है मौली, दिखा रही है हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं दिवाली के डेकोरेशन के लिए सामान। ये रहा हेड एंड शोल्डर, क्योंकि हमारे में बहुत हेड है। हेड है रे मम्मी, देखो गाइस ये हेड एंड शोल्डर। और ड्रीम ग्लेंस का शैम्पू और बहुत सारे पटाखे आपको बाद में दिखाएंगे हम। मेरा कैंडल सही संतुलन, बहुत सारे पटाखे हैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड ये रहा एक और लाइट स्टार्स वाले, बहुत बहुत बड़ा है। कितने पीस है? 4 पीस है। और पहले के भी थे पर पहले का हमने सोचा सड़ा सा हो गया। गाइस हम पहले का भी लगाएंगे क्योंकि मतलब वो भी बहुत सुंदर सा है। हाँ जी। सो अब ये दूसरा वाला, ये भी तोरण है ना डेकोरेशन के लिए। हाँ ये भी डेकोरेशन का सामान है। ये देखो, इसको खोल के दिखाऊं? वो खोल के दिखा। ये देखो गाइस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। हैंगिंग के लिए भी ये है, फ्लोटिंग कैंडल्स, ये पर्पल कलर में है फ्लावर इसको ना। और ये भी दूसरा कलर, और ये रहा दूसरा कलर पिंक। और एक और कलर है ब्लू। एक और फ्लोटिंग कैंडल्स, इधर से ना लाइट आ रहा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। पहले लाइट्स है लाइक दिस, देखो गाइस बहुत ब्यूटीफुल है। और कैंडल, एक और कैंडल्स, एक और कैंडल, लाइट एक और। मम्मी कौन से कलर का है?
ये वाला लाइट नहीं, जो एक लिया था ये भी गोल्डन है गाइस, मंदिर के लिए लिया है गोल्डन। कितनी मस्त गाइस, और लेकर आई हूँ मैं नहीं लेकर आई हूँ, मम्मी मतलब हम सब गए थे, या नानी गई थी बस। ये कैंडल्स गिर गए, कैंडल्स दिए गिर गए, गोल्डन कलर के दिए हैं ये, बहुत मस्त है। आप सोच रहे हो कितना ही सामान है, बहुत सारा सामान है, आपको लास्ट में दिखाऊंगी कितना सामान था। और नीचा फूटा ना, मेरा बम फूट गया, इसमें पॉपकॉर्न फूट गया। और जब मैं पन्नी ला रही थी ना, तब एक पॉपकॉर्न फूट गया। तो जल्दी बुलाओ गाइस, इसके 4 पीस थे, आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। देखो गाइस ये बहुत बड़ा है, मैं कैसे दिखाऊं, छोटे में दिखा देती हूँ। ये देखो, जब लगाएंगे तब आपको ढंग से दिख जाएगा, बहुत मस्त है, क्योंकि इसमें भी लेंथ नहीं आ रही है पूरी। और गाइस पटक के तो मैं बाद में दिखाऊंगी, ये फूल है गाइस, मुझे लग रहा है येलो फूल है, दो फूल है ना गाइस। हाँ ये फूल गाइस, ये फूल है येलो कलर के, ये माला है माता के लिए शायद। और तो पटाखे ही लग रहा है मेरे को, पटाखे ठीक है। और है रंगोली कलर, ये देखो ये बॉटल वाले ही बहुत मस्त होते हैं, सब कलर है इसमें। और गाइस ये बहुत मस्त है लाइट, दस ग्यारह बारह, एक में 12 है तो 12 12। और ये वाले भी बहुत मस्त रंगोली होते हैं, तो बॉटल वाले हैं। शुभ लाभ दरवाजे में लगाने के लिए, माता के मैं बड़ा सा दिया, और ऐसे एक और पैकेट है बहुत। और गाइस आपको एक चीज दिखानी है, ये देखो ये फूल पड़े हैं, दो बैग्स, और एक और पड़ा है वो पता नहीं क्या है, वो भी पत्ता टाइप लीफ। अब दिखाने वाली है मेरा फेवरेट, जो कि बहुत सारा है, बहुत बहुत सुंदर गाइस, ये रहे फूल झड़ी। अनार, ये धनतेरस में जादू मांगते हैं गाइस, माय फेवरेट फेवरेट क्या, झाड़ू नहीं, कोल्ड ड्रिंक गाइस, ये अनार है। और बम फूटता है, बहुत जोर से फूटता है, फूटता है, ड्रैगन फाइट। ये क्या है, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, एहे रहा नहीं जाता। हलवा मजा कर गाइस, ये अनार है, ये है मुर्गा छाप है ना,
गाइस ये भी चक्कर गया, एक और माला रह गया। बहुत सारे पॉपकॉर्न, तू ही बनाई फुलझड़ी, मतलब मेरे पास होगी चार फुलझड़ी। आज के लिए ही इतना नहीं, आज के लिए मतलब मेरा व्लॉग इतना ही, मतलब जो मैं दिखा रही हूँ वो इतना ही। तो गाइज ये पेंटिंग बनाई है याना ने, एक और एक मैंने आपको दिखाई थी वो है, और एक ये है। नानू, मम्मा, नानू, आए हम लोग कर रहे हैं दिवाली की डेकोरेशन, अभी हाफ हुई है और जब फुल होगी तब आपको अच्छे से दिखाएंगे, अभी हम कर ही रहे हैं और थक रहे हैं तो गाइज हमारी भी रंगोली रेडी हो चुकी है। करंट आएगा शायद, मुझे नहीं मालूम, आता ही होगा। हाँ रहने दे भाई, रिस्क मत लो। I'm not afraid.
क्लीनिंग क्लीनिंग हो रही है। ये देखो गाइस, अर्बन क्लैब वालों को मैंने बुलाया था कारपेट क्लीन करने के लिए। बहुत टाइम से जब हमने शिफ्ट किया था ना, तो ये कारपेट बाहर ही पड़ा हुआ था, तो क्लीन कराने का टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने बुलाया था, मैंने सोचा था दिवाली पे कराऊंगी पर नहीं करा पाए। तो फिर अभी दिवाली के बाद, फ्री होने के बाद अभी उनको मैंने बुलाया था। देखो कितना अच्छा क्लीन कर दिया उन्होंने, वरना ये बिल्कुल बाहर ऐसे पड़ा था, ऐसे लग रहा था कि फेंकना पड़ेगा अब। पर देखो कितना क्लीन हो गया। बस उन्होंने बोला है कि अभी इसको फैन ऑन करके थोड़ी देर रख दो, सूख जाएगा। वैसे सूख ही गया है, ये सुखा के ही जाते हैं वो लोग। बहुत ही अच्छा क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ। गाइस हम लोग खा रहे हैं मैगी और देख रहे हैं बिग बॉस। फैसला लिया है और कुछ देर पहले सलमान खान ने एक बात अंकित से पूछी थी, अच्छी बनी है वो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। सो गाइस मैंने बनाए हैं गोभी के पराठे और ये बनाई है मैंने टमाटर की चटनी। ये मेरी ब्लैक टी, ये देखिए कितना टेस्टी पराठा बना है। यहाँ पे लड्डू जी अपना दूध पी रहे हैं, बैठ के पी चुके हैं।